ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने राजद का हाथ छोड़ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, चंद्रिका राय ने दावा किया कि राजद के कई बड़े नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। चंद्रिका राय लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय के पिता हैं। चंद्रिका राय ने बिहार विधानसभा के शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल होने की घोषणा की है। गौरतलब है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच इन दिनों विवाद चल रहा है और मामला फैमिली कोर्ट में है। ऐसे में चंद्रिका राय इस पारिवारिक लड़ाई को राजनीति के पटल पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रिका राय ने राजद पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में मुझे कई पीड़ा मिली जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं जदयू में बहुत जल्द शामिल हो सकता हूं। पार्टी बदलने का फैसला करते ही नीतीश कुमार के प्रति चंद्रिका राय के सुर में नरमी भी आ गई। चंद्रिका ने मुख्यमंत्री नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। राय ने कहा कि नीतीश कुमार सही तरीके से बिहार का विकास कर रहे हैं और मुझे जेडीयू से कोई ऐतराज नहीं है। नीतीश कुमार और एनडीए का बिहार में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एनडीए को बिहार में शानदार सफलता मिलेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चंद्रिका राय ने कहा कि वे 26 फरवरी से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके संपर्क में कई और लोग हैं जो जदयू में शामिल होंगे। अपने समधी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, इस सवाल पर चंद्रिका राय ने कहा कि राजनीति में सब कुछ जायज है। जब उन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? जब चंद्रिका राय से पूछा गया कि क्या वह आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने कोई विचार नहीं किया, इस पर बाद में चर्चा होगी। वही चंद्रिका राय अपनी बेटी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने के सवाल पर भी फिलहाल चुप्पी साध गए। बता दें, पिछले लंबे समय से तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच विवाद चल रहा है और ये मामला फैमिली कोर्ट में है। इसी वजह से लालू और चंद्रिका राय के परिवारों के बीच तनाव है। हाल में ऐश्वर्या ने अपनी सास राबड़ी देवी पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था और इससे पहले ऐश्वर्या के राबड़ी के घर से रोते हुए बाहर जाने की खबरें जमकर वायरल हुई थी। बीते दिनों राबड़ी ने ऐश्वर्या की मां के लिखित पत्र मिलने के बाद ऐश्वर्या के दहेज का पूरा सामान उसके घर के सामने रखवा दिया था, जिस पर जमकर हंगामा हुआ था। बात करें चंद्रिका राय की तो वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री और जाने माने भारतीय राजनीतिज्ञ दारोगा प्रसाद राय के पुत्र और वरिष्ठ राजद नेता हैं। चंद्रिका राय ने भले ही ये फैसला आगामी विधानसभा चुनाव के पहले लिया हो, लेकिन इसकी पटकथा पिछले लोकसभा चुनाव में ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल लालू यादव की बहू ऐश्वर्या अपने पिता चंद्रिका राय के लिए छपरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट मांग रही थी। इसको लेकर वो यादव परिवार पर लगातार दबाव भी बना रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। इस घटना के बाद तेज प्रताप और ऐश्वर्या के संबंधों में खटास बढ़ गई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।